दी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं सरोद का जाना माना नाम पंडित तेजेंद्र नारायण मजूमदार जी से। कल हमने उनके संगीत सफर, उनके गुरुओं पर बात की, आज बात करते हैं उनके साज पर और साथ ही साथ कुछ जाने माने दिग्गज कलाकारों के साथ उनके रिश्तों और उनके कार्यक्रमों पर। तो दादा, अब इस इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में समझना चाहेंगे आपसे आपके साज के बारे में, क्योंकि सरोद कहा जाता है कि सबसे मुश्किल जो वाद्य यंत्र हैं बजाने के लिहाज से उसमें से एक है, तो ये परसेप्शन क्यों है और कुछ अपने साज के बारे में भी बताइए हमें। देखिए, ये साज जो है, ये साज कठिन इसीलिए बोलते हैं कि ये सबसे नहीं हो सकते हैं। इस जिनके जिनका सेंस ऑफ म्यूजिक थोड़ा बहुत नहीं होता है, मतलब स्वर का ज्ञान, इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि जैसे सितार में या गिटार में फ्रेट्स है, यहाँ पे कोई फ्रेट्स नहीं है। सरोद में एक इट्स अ सिंगल पीस ऑफ वुड मेड इंस्ट्रूमेंट, और उसमें एक लंबा एक स्टील प्लेट है जिसमें कोई घाट नहीं है, तो वो अंदाज से और सुन सुन के वो जगह पकड़ के सुर निकालना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा पहले ये जो मतलब ये बोध जो है, ये लेने के लिए काफी टाइम लग जाता है। ये तो भगवान का देन है कि वो सही जगह चुन सके। गुरु क्या कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन सुर पे बजाना उनका उनका अपना सोच जो है, वो कैसे समझेंगे कि ये सुर पे है या बेसुर है, दैट्स अप टू हु इज लर्निंग। तो इसीलिए डिफिकल्ट बोलते हैं। और दूसरा है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट जो है इतना यूनिक है, इसमें तीनों ऑक्टेव्स का पूरा इफेक्ट है, लो मिड एंड हाई, और इसमें हम मतलब 25 स्ट्रिंग्स है जिसमें 4 स्ट्रिंग्स मेनली बजाना पड़ता है और बाकी सब ऑक्सिलरी स्ट्रिंग्स है। 15 तरफ स्ट्रिंग्स है, मतलब सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स, जो राग बजता है उसके हिसाब से ईच एंड एवरी नोट हैज टू बी ट्यून्ड इन दैट वे, तो वो रेजोनेट करते हैं। हाँ, और लेफ्ट हैंड के लिए ये जो नेल्स दिख रहे हैं, नेल और ये पैड के बीच में अंगली रखना पड़ता है, एंड इट हैज टू ब्रिंग आउट अ पर्टिकुलर टोन, जो टोन जिस टोन से ये पता चलता है कि ये सही सुर का वो जो टिम्बर है, सरोद का जो टिम्बर है वो निकल सकते हैं कि नहीं। तो इसीलिए ये पहले पहले बहुत कठिन लगता है। सितार में वो जिस इंस्ट्रूमेंट्स में फ्रेट्स है उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये सा है, ये रे है, ये गा है। यहाँ पे आपको अंदाजा से अंगली फेंकना चाहिए, नेल फेंकना चाहिए, तो उसके लिए बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन सभी इंस्ट्रूमेंट डिफिकल्ट है, और उसको डिफिकल्ट को सहज करना वो अपना अपना बात है। मैं एक बार उस्ताद अमजद अली खान साहब का इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये ना ये जो साज है इसमें फ्रेट नहीं है, इसलिए ये बड़ा बेपर्दा किस्म का साज है, और अगर कलाकार थोड़ा सा भी बेसुरा हो तो तुरंत बेपर्दा हो जाता है। खैर, और दूसरा है कि इस इंस्ट्रूमेंट का प्रॉब्लम ये है कि इसका जो बेस है जी, जैसे सितार में जो तबली है, तबली मतलब यहाँ पे वो वुडन है जी, तो ये एक सॉलिड है, यहाँ पे है एक गोट स्किन, वो तो स्किन क्या होता है, टेम्परेचर के हिसाब से थोड़ा सा चढ़ जाते हैं, थोड़ा सा इट जस्ट गोज अप एंड डाउन, तो उसमें ब्रिज जो है, ब्रिज का पोजीशन भी थोड़ा सा इधर उधर होता है। तो सबसे पहले ये इंस्ट्रूमेंट सुर पे ट्यून करना, ये भी एक शिक्षा है। अगर सही पे ट्यून करना है तो अगर ट्यून हो जाए तो काफी काम हो गया। और दूसरा है कि ये सांस को सुर पे बजाना, और ये तरफ स्ट्रिंग्स ऐसा है, थोड़ा सा मिली सेंटीमीटर भी इधर उधर हो जाए, मिलीमीटर इधर हो जाए, तो सांस को पूरा बेसुर लगेगा। दादा, एक चीज और बताइए आपके बारे में, कहीं पर भी कोई जाके पढ़े, मतलब मैंने तो जो पढ़ा वो अपनी जगह है, कोई अगर रावगिरी का सब्सक्राइबर भी जाके पढ़े
तो एक राग चारुकेशी उस्ताद सुजात खान साहब के साथ उसका जिक्र हर जगह मिलता है, जबकि वो आज हमको लगता है एक दशक से ज्यादा पुरानी बात हो गई, 12, 13, 14, 15 साल हो गए। आखिर क्या किस्सा है उसका, क्या है ऐसी कहानी है, क्या बन गया था कि वो अभी तक आप लोग के साथ साथ चलता है एकदम? देखिए, ये रिकॉर्डिंग हुआ 1994 में, 1994 मतलब 30 साल, 28 साल हो गए, 28 साल। बिल्कुल, एंड दैट वाज द फर्स्ट ओकेशन जहां पे मैं और सुजात भाई मिले एक न्यूयॉर्क में। हमारा एक जो प्रोड्यूसर थे लायल वाचोस्की, ही इज अ ग्रेट कंपोजर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, तो उन्होंने पहले बोला कि ही इज वेरी रिलैक्स्ड, उन्होंने कहा कि लेट्स टेक अ ट्राई, हम बैठेंगे देखते हैं कैसे होता है। तो दैट वाज द फर्स्ट ओकेशन, आई यूज्ड टू नो सुजात भाई, लेकिन इतना आमने सामने और इतना इंटीमेट तरीके से हमने कभी नहीं मिले। तो स्टूडियो पे आके हम थोड़ा सा गपशप किया और थोड़ा सा चाय कॉफी नाश्ता किया, एंड देन वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, एंड यू वोंट बिलीव एवरीथिंग जस्ट हैपेंड इन वन टेक, फर्स्ट टेक, एंड दैट वाज द ओके टेक। कोई रिटेक वगैरह कुछ नहीं हुआ। वी हैव डन सो मेनी रिकॉर्डिंग्स अब जुगलबंदी बहुत बाद में भी, लेकिन सो फार ऑलवेज पीपल कीप टेलिंग अबाउट दैट चारुकेशी। इनफैक्ट वो चारुकेशी का जो गत है आजकल बहुत सारे लोग बजाते भी है, इसीलिए मैंने कहा कि देखिए मुझे तो 14-15 साल मैंने कहीं पढ़ा था, लेकिन आप बता रहे हैं लगभग लगभग 30 साल पुरानी बात है, लेकिन वो अभी 28 साल पहले रिकॉर्डिंग हुआ हो चुका, लेकिन ये रिलीज हुआ वो भी 25 साल से ज्यादा हो गया। तो कुछ तो खास जरूर उस किस्से में था, इसीलिए देखिए वो अभी तक याद है। ये देखिए, जुगलबंदी का मतलब ये है कि दोनों के आपस में एक वेवलेंथ मैचिंग होना चाहिए, जो सुजात भाई के साथ मेरा होता है। और उसी टाइम पे द ब्यूटी ऑफ दैट रिकॉर्डिंग, ये सब लोगों ने कहा, मुझे सब मालूम नहीं हुआ, मैंने तो बजा दिया, वो भी बजा दिया, कि हम दोनों का म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड लव वो जो है, दैट रियली मेक्स सेंस। और उसमें आप देखिए, हम वी बिलोंग टू एग्जैक्टली ऑपोजिट टू घरानास, ही बिलोंग्स टू बिलाद खान साहब इटावा स्टाइल और मैं मैहर स्टाइल। तो वो जो जिस जगह पे मिल रहा है और जिस जगह पे नहीं मिल रहा है, दैट बिकम द मेन केमिस्ट्री ऑफ दैट रिकॉर्डिंग प्रोबेबली, आई डोंट नो। वो जो आप जिन लोगों ने सुने हैं वो उनका विचार अलग हो सकता है, ऐसे ही मुझे लगता है। एक और दिग्गज कलाकार हैं जिनका आपके प्रति, आप दोनों का एक दूसरे के प्रति बहुत म्यूचुअल रेस्पेक्ट है, बहुत दोस्ती है, और उनकी भी इस तरह की रिकॉर्डिंग्स की चर्चा आपके जैसे ही आपके बारे में पढ़ने शुरू करें तो पता चल जाता है, और वह उस्ताद राशिद खान साहब, तो वो भी जरा किस्सा शेयर करते चलिए। राशिद भाई तो मेरा बहुत मतलब मुझसे छोटे है, लेकिन वो बचपन से मैं उनका फैन हूँ और दोस्त हूँ, और वो भी मुझको बड़े भाई जैसा ही मानते हैं, दोस्त भी है। तो राशिद तो मेरा मतलब क्या बोलूँ, वो तो मेरा दिल का एक पार्ट है रशीद। पूरा हिंदुस्तान जानते हैं रशीद खान साहब क्या है, और पूरा दुनिया में रशीद जैसा मतलब इतना कम उम्र में ऐसे फैल गए हैं। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव डन मतलब इतने सारे रिकॉर्डिंग्स भी है उनके साथ, मैंने डुएट भी बजाया और बहुत कुछ किया है। और ऐसे भी है कि हर रोज एक दफा फोन आता है, कभी कभी नहीं होता है क्योंकि मैं भी बिजी हो जाता हूँ, वो भी बहुत बिजी है, लेकिन राशिद भाई के साथ तो काफी काम हम कर चुके हैं, स्टेज भी शेयर किए हैं, हमारे फेस्टिवल जो मैं मेरा गुरु के नाम पे करता हूँ उसमें भी भाग लिए हैं। तो मतलब उनके बारे में और मेरे बारे मतलब मेरा और उनका जो है वो तो बोलने में तो पूरा टाइम खत्म हो जाएगा। अच्छा दादा, आपने अपने मतलब जो शास्त्रीय संगीत है उसके अलावा एक और पक्ष है आपके सफर का, और उसमें फिल्म म्यूजिक भी बहुत इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है, उसके बारे में भी कुछ बताएं। नॉट ओनली फिल्म म्यूजिक, मतलब मेरा पिताजी से मेरा शिक्षा है, क्योंकि माय फादर वाज इन द कमर्शियल वर्ल्ड, ही यूज्ड टू बी अ सितार प्लेयर, बट
He had traversed, he had toured all over the world with none other than Uday Shankar ji. तो वो बैले म्यूजिक और ये सब में बहुत काम किए हैं, और कंपोजिंग, म्यूजिक कंपोजिंग के बारे में जो मेरा जो ध्यान और जो आइडियाज है आई हैव अडेप्टेड फ्रॉम हिम. और मैंने बहुत सारे बहुत बड़े बड़े दिग्गज म्यूजिशियंस के साथ काम किया है, बहुत बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर्स जैसे सत्यजीत रे, गौतम घोष वगैरह, बहुत सारे म्यूजिशियंस के मतलब फिल्म डायरेक्टर्स के साथ काम किया है. और जो सोलो एल्बम्स जो है वो भी मैंने बहुत अरेंज किया है. उसमें सबसे पहले मैं नाम लूंगा जिन्होंने मुझको इनिशिएट किए थे, वो है पंडित अजय चक्रवर्ती. तो उसके बाद अजय चक्रवर्ती, हेमंती शुक्ला, रशीद भाई, गुलाम अली जी का भी मैंने अरेंज किया म्यूजिक. और उसके साथ साथ मेरा मतलब पैशन ऐसा था कि मेरा तो फर्स्ट प्रायोरिटी है सोलो परफॉर्मेंस, लेकिन दूसरा ये सब जो जहाँ पे मैं थोड़ा सा छुट्टी मिलती थी तो उस टाइम पे मैं ये सब काम करता था कि इंटरैक्टिव प्रोजेक्ट्स, लाइक मैं पोएट्री के साथ काम किया है, मैं ड्रामा का म्यूजिक किया है, टीवी सीरियल का म्यूजिक किया है, फिल्म म्यूजिक भी किया है, कंपोज किया है. और रिसेंटली मेरा एक फिल्म ये हुआ जो इज अबाउट टू बी रिलीज्ड, उसमें सौमित्र चट्टोपाध्याय और नासिरुद्दीन शाह भी है, सारे बहुत सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में भी वो दिखाया. तो ऐसा चल रहा है बस. और मेरा एक मेरा अरेंज किया एक एल्बम 2010 में, 10-11 में ग्रैमी नॉमिनेशन को भी हो गया, ग्रैमी नॉमिनेशन भी मिला. और ये मेरा बहुत ही सौभाग्य है कि बहुत सारे लोगों के साथ मैंने काम करने का, मुझे काम करने का मौका मिला, इंक्लूडिंग पंडित रविशंकर जी. उन्होंने एक दफ़ा मुझको बुलाया, वो हॉलीवुड बोल में बहुत बड़ा एक प्रोग्राम था नेट जियो का, उसमें मुझे भाग लेने का मौका मिला और उनसे सीखने का भी बहुत भाग्यशाली मैं इतना ही हूँ बोलूंगा कि पंडित रविशंकर जी भी बहुत मुझे प्यार करते थे, आशीर्वाद उनसे भी मिला. मेरे साथ मेरा यही है कि सारे के सारे बड़े बड़े कलाकार दिग्गज लोग, उन सब से मेरा आशीर्वाद मिला. उस्ताद अमजद अली खान साहब, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित जसराज जी, सबके साथ ही मेरा अच्छा, बहुत ही अच्छा रिश्ता था और बहुत ही आशीर्वाद मिला, ये मेरा बहुत ही सौभाग्य है. मैं रागगिरी के सब्सक्राइबर्स जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि अभी पंडित जी ने पंडित उदय शंकर का नाम लिया. अगर आप नहीं जानते हो तो बता दूं कि पंडित उदय शंकर पंडित रवि शंकर के बड़े भाई थे, और इस देश में कंटेम्प्रेरी डांस का अगर सबसे बड़ा नाम कोई कहा जाए और पूरी दुनिया में अगर भारतीय डांस की एक पहचान को लेकर काम किया तो वो उदय शंकर जी ने किया, जिसका जिक्र अभी अभी पंडित जी कर रहे थे. पंडित जी, फर्स्ट शोमैन, द फर्स्ट शोमैन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अब आपके ढेर सारे शिष्य हैं जिनको आप गुरु शिष्य परंपरा के तहत तालीम दे रहे हैं. आपने दो महान गुरुओं का जिक्र किया. अभी मैं अपने आपके परिवार के लोगों को हटा के बात कर रहा हूँ, ऐसे दो लोगों की बात कर रहा हूँ जो जो जिनमें से एक आपके गंडाबंद गुरु रहे. कौन सी ऐसी सीख उनसे मिली जो अब आप अपने बच्चों में, अपने शिष्यों में इनकलकेट करते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, इन चीजों का ध्यान रखना है, कुछ ऐसी बुनियादी बातें जो शायद आज के जो संगीत के छात्र हैं उनके लिए बहुत उपयोगी होंगी? ये एक तो है कि मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल, मतलब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो संस्कार है, मेरे बेटा को भी ऐसे ही मैंने शिक्षा दिया, और मैं मेरे सारे के सारे स्टूडेंट्स जो अच्छा कर रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बजा रहे हैं, जैसे दिल्ली में है लक्ष आयुष महन, वो मुझसे सीखे है, वो गंडाबंद शागिर्द है. मेरे बेटा इंड्राइव है, एक है कौशिक मुखर्जी है, उसका नाम है प्रतीक श्रीवास्तव है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बजा रहे हैं, अच्छा कर रहा है. लेकिन सबके लिए मेरा यही संदेश है कि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि कभी ये इसका सीखना अंत नहीं होता है, इट्स लाइक ओशन.
और एक श्रद्धा चाहिए, राग से श्रद्धा चाहिए, राग को डरना चाहिए। अगर डर और श्रद्धा नहीं रहेगा तो हमारे क्लासिकल म्यूजिक का वो जो स्थिति है, जो जिस दरवाजा पे हमारे उस्तादों ने, पंडित जी, मतलब जितने सारे ग्रेट म्यूजिशियंस जिस जगह पे, जिस दर्जे पे पहुंचा दिया, वो रखने के लिए ये जो मान सम्मान देना है वो डेफिनेटली जारी रखना पड़ेगा। और जल्दीबाजी मत करना। ये मेरा उस्ताद कह कहते थे कि दो किस्म का फ्रूट्स होता है आम। एक है कार्बाइड देके पकाने के लिए कोशिश करता है और एक नेचुरली रिपन होता है। तो कार्बाइड देके जो पकाना आम जो होता है ना, उसको खाने से आपको पता चलता है कि वो थोड़ा सा कुछ कुछ ना कुछ कम है। तो वो टाइम, एक नेचुरल प्रोसेस का टाइम देना चाहिए। ये कई ऐसा नहीं है कि ये बटन पुश करो और टोकन मारो और कॉफी आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो थोड़ा सा रेस्पेक्ट देना, हैव पेशेंस। आजकल की जो पीढ़ी है, दे आर सो इंटेलिजेंट, सो टैलेंटेड, और इनका एक्सपोजर्स देखिए, हमारे जमाने में तो कुछ नहीं था, अभी तो इतने सारे कुछ आ गया। तो यही बोलना है बस, और कुछ नहीं। आप जो बात कह रहे हैं, पंडित राजन साजन मिश्रा भी कहते हैं कि अगर, मतलब राजन जी तो खैर अब दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो नहीं रहे हमारे बीच, लेकिन वो भी कहते हैं कि अगर हम बिहागड़ा गा रहे हैं तो पहले बिहागड़ा से हाथ जोड़ते हैं कि हे बिहागड़ा, उसकी पूजा करते हैं कि हमारे अंदर आओ और हमारे अंदर से निकलो। तो शायद लगभग वही बात आप भी कह रहे हैं पंडित जी। मेरे गुरु जी भी ऐसे ही कहा करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने समय निकाला और बहुत अच्छी बातचीत हुई आपके गुरुओं के बारे में, एक नया पर्सपेक्टिव मिला, उनके बारे में भी जाना और आप अब किस तरह से अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः, आपने हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू, धन्यवाद, और सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार।